बिलासपुर जिला में करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टीम के द्वारा सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के गांव माकड़ी में एक घर पर छापामारी की। पुलिस की टीम ने पूरे घर में तलाशी अभियान शुरू किया और मौके से प्रेमलाल के घर से एक पेटी शराब, अवैध 68 लीटर डीजल और 45 लीटर पेट्रोल के साथ 23 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। डीएसपी नैना देवी संजय शर्मा के अनुसार करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति माकड़ी गांव में डीजल और पेट्रोल के अलावा रसोई गैस व शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। इसके बाद तुरंत एक पुलिस टीम का हेड कांस्टेबल श्यामलाल की अगुवाई में गठन किया गया और माकड़ी गांव में छापामारी की गई। मौके पर 12 बोतल देसी शराब, 23 सिलेंडर जिनमें 12 इंडियन और 11 एचपी के सिलेंडर शामिल हैं, जबकि 34 बोतल डीजल, लगभग 68 लीटर डीजल और 45 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया। इस मामले में प्रेम सागर निवासी माकड़ को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस मौके पर करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बिलासपुर के प्रधान श्यामलाल और अन्य सदस्य मौजूद रहे। एनजीओ है, वो आए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि एक जगह पे एक बंदा है जो कि नंबर 2 का काम करता है। बेसिकली उसके पास सिलेंडर्स, दारू और पेट्रोल डीजल वगैरह हो सकता है। तो हमने उसी टाइम एक टीम बनाई जिसको हेड कॉन्स्टेबल हमारे नैना देवी चौकी के हैं, उन्होंने उसकी अगुवाई की और वहाँ पे जाके रेड की। तो जब वहाँ पे रेड की, उसने वहाँ पे 12 बोतल शराब, देसी संतरा मिली है, डीजल 34 लीटर मिला है, 34 बोतल्स मिली हैं, 68 लीटर टोटल है और पेट्रोल 43 लीटर है और 23 गैस सिलेंडर मिले हैं जो 12 इंडियन के हैं और 11 एचपी के हैं। उसके बाद इसका नाम प्रेम सागर है, इसको अरेस्ट करके, क्योंकि बेलेबल है, इसको बेल कर दी गई।